69th फिल्मफेयर अवार्ड्स की नॉमिनेशन लिस्ट सामने आ गई है। हर साल ये अवार्ड फंक्शन मुंबई में होता है, मगर इस बार ये इवेंट गुजरात में होगा। फिल्मफेयर अवार्ड शो से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि इस बार इस फंक्शन से क्या उम्मीद की जा सकती है, कौन कौन परफॉर्म करने वाला है। इस साल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरुण धवन, जानवी कपूर और करण जौहर ने हिस्सा लिया। करण और जानवी ने यहाँ अपना गुजरात कनेक्शन बताया, पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र आया क्योंकि वो गुजरात से ही आते हैं। इसके अलावा वरुण ने सलमान खान से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि एक बार वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, सामने सलमान खान बैठे थे, इतने में कुछ गड़बड़ हो गई। सलमान ने वरुण को घूरा और वरुण पसीने से लथपथ हो गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानवी कपूर ने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों गुजरात में काफ़ी समय बिताया है, क्योंकि उनकी आने वाली फिल्म मिस्टर और मिसेज माही का एक बड़ा हिस्सा अहमदाबाद में शूट किया गया। इसके अलावा उनका क्रिकेट कैंप भी बड़ौदा में ही था, इसलिए उन्हें गुजरात में अच्छा वक्त बिताने का मौका मिला। वरुण धवन ने कहा कि उन्हें भी गुजरात बहुत पसंद है, क्योंकि उनकी शादी गुजराती लड़की से हुई है। करण जौहर ने कहा कि उनके सबसे करीबी दोस्त और धर्मा प्रोडक्शन संभालने वाले अपूर्व मेहता भी गुजरात के रहने वाले हैं। करण ने अपूर्व को अपना बॉस बुलाया, तभी उन्हें टोकते हुए वरुण ने कहा, सबके बॉस गुजरात से ही हैं। लोग समझ गए कि वो पीएम मोदी के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ वरुण धवन ने अपने पहले अवार्ड शो परफॉर्मेंस पर बात की, जो कि उनकी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद हुआ था। वरुण कहते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई थी परफॉर्मेंस में, लाइट्स बंद हो गई और म्यूजिक बीच में ही रुक गया। मेरे सामने सलमान खान बैठे थे, मैं बहुत डर गया था, मुझे पसीना आने लगा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, इसलिए मैं बैक स्टेज चला गया, जहां सभी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर से शुरू कर सकते हैं। मुझे पूरी परफॉर्मेंस के दौरान याद है कि सलमान भाई और मैं एक दूसरे को ही देख रहे थे, मैंने उनकी आंखों में देखकर डांस किया, जो कतई आसान नहीं था। मैं मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, वो भी हंस रहे थे, मगर फिर भी हंस नहीं रहे थे। वरुण धवन पिछली बार नितेश तिवारी की फिल्म बवाल में दिखे थे, इस फिल्म में उनकी को स्टार जानवी कपूर थी। वरुण अब एटली के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म में काम कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ कीर्ति सुरेश और वमिका गाबी जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। इस फिल्म को कालिस डायरेक्ट कर रहे हैं। इस साल का फिल्म फेयर अवार्ड 27 और 28 जनवरी को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित होगा। इसमें रणबीर कपूर, करीना कपूर खान, सारा अली खान, कार्तिक आर्यन, वरुण धवन और जानवी जैसे एक्टर्स परफॉर्म करने वाले हैं। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी अविनाश ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।